हेलो स्टूडेंट, आई एम सूरज फ्रॉम वाराणसी। बोर्ड एग्जाम को बेहतर बनाने के लिए मैंने समय के अनुसार आपके कोर्स प्रारंभ कर दिया है। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जो वीडियो आपको दूं उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। हेलो स्टूडेंट, तो आज क्लास 12th फिजिक्स जो कि एनसीईआरटी से आपका चैप्टर 10 विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसका भाग दो क्रिएट किया जा रहा है। इससे पहले इसका एक पार्ट बना दिया गया है। कुछ दिनों के लिए हम थोड़ा बाहर चले गए थे जिस कारण से आपको वीडियो नहीं मिल पा रही थी। शायद आपको सूरज सर ने स्टडी कराया होगा। तो अब हम आ चुके हैं, कहीं भागने दौड़ने की जरूरत है नहीं। तो आज हम भाग दो इसका क्रिएट कर रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, शाम 7 से 8 बजे फिजिक्स चलता है स्टडी नॉलेज चैनल पे, तो आप लोग समय पे आके अपने एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो चलते हैं इसके दूसरे पार्ट पे, देखते हैं क्या है, कैसे है टॉपिक, उसको शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है हम शुरू करते हैं फैराडे का प्रयोग से। देखिए, ये इन्होंने कुंडली लिया और ये आपका चुंबकीय सुई है। ये आपकी कुंडली है, ये चुंबकीय सुई है, ये भी कुंडली है, ये भी चुंबकीय सुई है। इसमें देखिए डिफरेंट कंडीशन बनेगा। देख रहे हैं, कभी ये चुंबकीय सुई की दिशा इधर हो रही है तो कभी इधर होती है, कभी इधर है तो कभी इधर हो जा रही है। तो ये कब इधर होगी, इसके विषय में हम लोग जानते हैं फैराडे के प्रयोग से। देखिए फैराडे का प्रयोग क्या कहता है, देखते हैं। तो देखिए, जो फैराडे का प्रयोग है, इन्होंने क्या कहा कि फैराडे ने एक धारा मापी को चित्रानुसार व्यवस्थित किया और इसके चारों ओर चुंबक द्वारा चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किया। तो देखा कि जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली में धारा बहने लगती है, जिसके कारण धारा मापी में विक्षेप प्राप्त होता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदलने से धारा मापी में विक्षेप की दिशा भी बदल जाती है। इस प्रयोग को फैराडे का प्रयोग कहते हैं। देखिए, फैराडे ने क्या कहा कि वो धारा मापी थी, उसमें क्या किया, धारा मापी को चित्रानुसार व्यवस्थित किया। धारा मापी माने जो धारा को मापता है उसको चित्रानुसार इन्होंने क्या किया, व्यवस्थित किया, सेट किया। तो इन्होंने देखा और उसके चारों ओर क्या किया, चुंबक के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र स्थापित कर दिया। देख रहे थे ना, चुंबकीय सुई थी, चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो गया था। तो जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया था, इसे पहले हमने आपको चुंबकीय फ्लक्स पढ़ा दिया है। तो देखिए, जब चुंबकीय फ्लक्स में, इसका पहले पार्ट में यही चुंबकीय फ्लक्स है कि इसमें बताया गया था। चुंबकीय फ्लक्स का वीडियो जो उन्होंने देखे हो जाके पहले पार्ट का देख सकते हैं। तो देखिए, जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली में क्या बनने लगती है, धारा बनने लगती है। और जिस कारण क्या होता है, धारा मापी में विक्षेप प्राप्त होता है। विक्षेप माने सुई इधर उधर जो मूव कर रही थी वही होता है विक्षेप, इधर उधर जो घूम रही थी विक्षेप प्राप्त होने लगता है। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदलने से, जब चुंबकीय क्षेत्र की आप डायरेक्शन बदल देंगे, क्षेत्र की दिशा बदल देंगे, तो जो विक्षेप की दिशा है तो भी बदल जाएगी। जो ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था ना, जो विक्षेप की दिशा बदल रही थी वो इसी कारण से बदल रही थी। इस प्रयोगवा को क्या कहते हैं, फैराडे का प्रयोग। इस प्रयोग को कहते हैं फैराडे का प्रयोग। फैराडे बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, उनका जो प्रयोग था बहुत ही अच्छा प्रयोग था। ये चुंबकीय दिशा के विषय में था, आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विषय में, धारा मापी, ये सब को रिलेट करके इन्होंने बताया था। तो यही था उनका नियम। ठीक, तो आता है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। तो फैराडे के जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है वो दो नियम है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का दो नियम है। पहला नियम क्या है, पहला नियम ये है कि जब किसी कुंडली से बद्ध माने जुड़ा हुआ, रिलेटेड, बधा हुआ एक प्रकार से भी कह सकते हैं आप लोग। तो जब किसी कुंडली से बद्ध, मतलब जब किसी कुंडली से जुड़े हुए, जब कोई कुंडली है जो जुड़ा हुआ है, मतलब जब जो कुंडली है उसी के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाए, तो क्या होता है, परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और इस कारण कुंडली में एक धारा बहने लगती है जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। तो पहला नियम देखिए, ये प्रैक्टिकल वाइवा में पूछा जा सकता है। जो पहला नियम है, इन्होंने क्या कहा पहले नियम में कि जब कोई कुंडली लेंगे और उस कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में आप परिवर्तन करेंगे तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है फ्लक्स में परिवर्तन के कारण। फ्लक्स में परिवर्तन कारण एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसे कहते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरण है तो भैया प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसके कारण जो कुंडली में धारा बहती है उसको कहते हैं प्रेरित विद्युत धारा। ठीक, तो ये थी प्रेरित विद्युत धारा या प्रेरित धारा। तो ये था इनका पहला नियम। अब आता है दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या है कि किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। देखिए, किसी कुंडली में
उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, तो क्या हो जाएगा E बराबर माइनस, अब क्या करा है फ्लक्स में परिवर्तन की दर, फ्लक्स परिवर्तन की दर, दर लग गया मैंने समय के साथ, तो फ्लक्स को कहते हैं फाई, अब परिवर्तन माने डेल्टा लगेगा, परिवर्तन की दर क्या होती है ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक दर के बराबर होता है विद्युत वाहक बल की, मतलब जो फ्लक्स परिवर्तन का ऋणात्मक दर है वो किसके बराबर होगा विद्युत वाहक बल के, दर लग गया मैंने विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो फ्लक्स परिवर्तन ये डेल्टा का लगने मतलब परिवर्तन, इसको कई जगह किताबों में डी फाई बटे डी टी भी लिखा रहता है, डेरिवेटिव करके लिखा रहता है, ठीक। तो यहाँ पर डेल्टा मैंने लगा दिया है, कुछ किताबों में डी लगे रहेगा, मतलब डिफरेंशिएट करके उसको लिया गया रहेगा, वह भी मतलब परिवर्तन होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, तो ये बराबर क्या हो जाएगा माइनस डी फाई बटा डी टी या डेल्टा फाई बटे डी टी, मतलब जो कुंडली में जो अभी ऊपर आपने प्रेरित विद्युत वाहक बल निकाला, प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा निकाला था, तो वही जो प्रेरित विद्युत वाहक बलवा है वो फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, ठीक। तो ई बराबर होता है माइनस डी फाई बटे डी टी या ई बराबर माइनस डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी, यहाँ पर ई क्या है प्रेरित विद्युत वाहक बल और डेल्टा फाई की वैल्यू होती है फाई टू माइनस फाई वन, मतलब फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, मतलब फाई टू अंतिम वाले में से प्रथम वाले को घटा दो तो डेल्टा फाई की वैल्यू निकल के आ गई, ठीक। तो अगले टॉपिक पे चलते हैं हम, तो जो फाई टू माइनस फाई वन था उसको कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, डेल्टा टी को आप जानते हैं समयांतराल कहते हैं, और ये भी जानिए कि यदि कुंडली में तार के यन फेरे हों तो यन का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे उस डी फाई बटे डी टी में, मतलब ई की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस यन डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी, ये आपका एक फार्मूला निकल के आ जाएगा, जहां पे यन क्या रहेगा कुंडली में तार के फेरों की संख्या, तार के फेरों की संख्या रहेगी कुंडली में, उसको यन से उसका यन में यन का मल्टीप्लाई कर देना है उसमें, बस और कुछ नहीं है ज्यादा तामझाम। अब आता है प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश के लिए व्यंजक, तो मान लिया एक कुंडली में तार के फेरों की संख्या एन है, कुंडली के तार का प्रतिरोध कैपिटल आर है, डेल्टा टी समय में इसके फ्लक्स में डेल्टा फाई का परिवर्तन होता है। अब देखिए प्रेरित धारा जो आपने निकाला था, जैसे प्रेरित धारा है कुंडली फ्लक्स में परिवर्तन का जो धारा बहती है उसको प्रेरित धारा, तो वैसे ही जो आवेश होता है उसको प्रेरित आवेश कहते हैं, तो यही जो प्रेरित आवेश और प्रेरित धारा का व्यंजक है उसको हम लोग इसमें डिराइव करेंगे। तो देखिए मान लिया एक कुंडली में तार के फेरों की संख्या क्या है एन है, कुंडली के तार का प्रतिरोध कैपिटल आर है, डेल्टा टी समय में इसके फ्लक्स में डेल्टा फाई का परिवर्तन होता है। अब देखिए आपने ऊपर अभी प्रेरित विद्युत वाहक बल जो फैराडे का द्वितीय नियम है E बराबर माइनस एन डी फाई बटे डी टी या डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी, ठीक, तो ये तो आपने अभी निकाला था। अब देखिए जैसे आपने V बराबर आई आर कभी पढ़ा होगा ओम का नियम, तो जो बोल्ट होता है इसका भी मात्रक बोल्ट होता है और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल का भी मात्रक बोल्ट होता है, ये सेम चीज है, ये भी एक प्रकार से वही चीज है, तो इसकी जगह हम E भी रख सकते हैं E बराबर आई आर, अगर I की वैल्यू यहां से निकालना होगा तो हम क्या कर देंगे E बट्टे R कर देंगे, समझ आ रहा है। अब देखिए E माने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक, तो E की जो वैल्यू है ये ऊपर आपने इसको मान लीजिए समीकरण एक, इसकी जो वैल्यू है इसमें पुट करने पर देख रहे हैं ना वही चीज है, E की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे तो ये सारी वैल्यूआ तो एज इट इज रह जाएगी या इंटू आर नीचवा हो जाएगा, ठीक, तो ये तो प्रेरित धारा का मान आ गया I बराबर माइनस एन डी फाई बटे डी टी इंटू आर, यहाँ पे आई क्या है प्रेरित धारा। अब देखिए अब आप जानते हैं Q बराबर IT आप जानते हैं, तो Q बराबर क्या हो जाएगा I डेल्टा T, Q बराबर I डेल्टा T हो जाएगा, ठीक, I डेल्टा T हो जाएगा क्योंकि समय अंतराल यहाँ पे डेल्टा T है। अब देखिए I की वैल्यू आपने ऊपर निकाला है माइनस n डी फाई बटे डी टी इंटू आर, तो ये वैल्यू आई की जगह पर रख देंगे डेल्टा टी का मल्टीप्लाई मार देंगे, तो माइनस यन डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी इंटू आर इंटू डेल्टा टी से कट गया तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी माइनस यन डेल्टा फाई बट्टा आर, ये समझ में आ गया, यही ये प्रेरित आवेश का फार्मूला है, ये प्रेरित धारा का फार्मूला है। अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल से बनाते तो और आनंद आएगा, यहाँ पे अगर किसी का मतलब ना समझ आ रहा तो मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ, आई आपका प्रेरित धारा, यन तार के फेरों की संख्या है, डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी क्या है फ्लक्स में परिवर्तन की दर, आर क्या है प्रतिरोध, ठीक, समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन है या टॉपिक जो भी है उसको लगाते हैं हम लोग।
देखिए अब एक क्वेश्चन बताने जा रहे हैं आपको। एक तार का टुकड़ा चुंबकीय ध्रुवों के बीच 2 सेकंड में गुजरता है, तो उसमें 4×10⁻⁵ वोल्ट का विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए सोल्यूशन क्या करते हैं, ये 2 सेकंड है, इसको हम लोग दिखाएंगे डेल्टा टी, यहाँ पे डेल्टा टी लेंगे 2 सेकंड, ठीक दिया है जो जो मान, और इतने वोल्ट का विद्युत वाहक बल है, मतलब ये स्मॉल ई की वैल्यू दी है 4×10⁵ वोल्ट विद्युत वाहक बल है। चुंबकीय फ्लक्स की मान ज्ञात करना है, चुंबकीय फ्लक्स का जो मान है मतलब जो डेल्टा फाई की वैल्यू है उसको हमको कैलकुलेट करना है। इसमें सीधे से लगा देना है फैराडे का द्वितीय नियम माने दूसरा जो लाया है उसका, वो नियम लगा के यहाँ पे सीधे कैलकुलेट कर लेना वैल्यू, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं इसमें तोड़ना आपको। फार्मूला क्या होता था, E=−ΔΦ/ΔT, तो हमको निकालना क्या डेल्टा फाई, तो इसका सीधे तिरक गुणा इसमें कर देंगे हम लोग, E×ΔT=−ΔΦ। अब वैल्यू रखिए, ई की वैल्यू क्या थी 4×10⁵, डेल्टा टी की वैल्यू 2×−ΔΦ, ठीक तो हो जाएगा 8×10⁵ वेबर, इसका आंसर हो जाएगा वेबर, इसका आंसर हो जाएगा। ये माइनस चाहे तो उधर फेंक दो उठा के, तो जाएगा डेल्टा फाई, इतना इसका आंसर, ठीक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक तार को चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच 1 मिली सेकेंड में गुजारा जाता है, यदि प्रेरित विद्युत वाहक बल 4 μV हो तो फ्लक्स में परिवर्तन ज्ञात करिए। ये मैं सवाल नहीं लगाऊंगा, इसका हिंट आपको दूंगा, ये लगा के बताइएगा कमेंट बॉक्स में कितना आंसर आ रहा है। तो देखिए दिया है क्या, ये समय दिया डेल्टा टी क्या 1 मिली सेकेंड। अब 1 मिली सेकेंड क्या होता है, 1 मिली सेकेंड, अब 1 मिली सेकेंड को सेकेंड बनाने के लिए 10⁻³ का मल्टीप्लाई करो, ठीक। अब देखिए 4 μV है विद्युत वाहक बल, 4 μV जैसे माइक्रो कूलम को कूलम बनाने के लिए 10⁻⁶ का गुणा करते थे, उसे माइक्रो वोल्ट को वोल्ट बनाने के लिए 10⁻⁶ का गुणा कर दो, ठीक। अब फ्लक्स में परिवर्तन की दर, मतलब वही डेल्टा फाई वाला काम, यहाँ पे भी ये कानून लगा के हल कर लेना, दूसरा नियम, सीधी सीधी बात, ऐसे ऐसे ही न्यूमेरिकल आपको आएंगे बोर्ड परीक्षा में भी, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आएगा, बस केवल तैयार रहना चाहिए। अब क्वेश्चन 3 देखिए, 1000 फेरो वाली कुंडली के फ्लक्स को 0.2 सेकंड में 40 वेबर से शून्य कर दिया जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए, यदि कुंडली के तार का प्रतिरोध 10 ओम है तो प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश। अब देखिए प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश पूछ रहा है, मैंने वही दोनों फार्मूला यहाँ पे लगा के हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखिए क्या कर दिया है, 1000 फेरो वाली यन की वैल्यू दी है 1000 फेरा, कुंडली के फ्लक्स को 0.2 सेकंड में, मतलब डेल्टा टी की वैल्यू दी है 0.2 सेकंड, ठीक 40 वेबर से शून्य कर दिया जाता है, मतलब डेल्टा फाई कैसे निकालते थे आप लोग, φ2−φ1 करके, तो φ2 कितना है 0 कर दिया जाता है, मतलब फाइनल 0 है, और प्रारंभ में कितना था 40, ठीक है। तो इतना समझ आ गया, प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए, पहले तो प्रेरित विद्युत वाहक बल वह निकालना है E की वैल्यू, यदि कुंडली के तार का प्रतिरोध 10 ओम है, R की वैल्यू 10 ओम दी हुई है, तो प्रेरित धारा I की वैल्यू निकालना है, प्रेरित आवेश Q का मान निकालना है। तो चलिए पहले हम लोग E वाला सॉल्यूशन करते हैं, E बराबर क्या हो जाएगा, कुंडली के फेरों की संख्या दी हुई है, तार के फेरों की संख्या, तो −N डेल्टा फाई बटा डेल्टा टी वाला फार्मूला लगा के कैलकुलेट करके वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, ठीक। तो देखते हैं N की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से 1000, डेल्टा फाई की वैल्यू आपने क्या निकाली है 0−40, माने हो जाएगा −40, तो यहां −40 का गुणा कर देंगे, अब बटे डेल्टा टी 0.2 सेकंड, 0.2 सेकंड, तो 0.2 आने के लिए 10 का ऊपर नीचे और गुणा कर दो भैया, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, ये −−, प्लस हो जाएगा 4 3, ये 1 4 1 5, 4×10⁵ हो जाएगा, अब बटे 2, तो 2×10⁵ आपका आंसर आ जाएगा, ये विद्युत वाहक बल का, ठीक।
अब आपका पूछ रहा है आई और क्यू, इसको भी हम निकालते हैं, प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश, तो उसका भी फार्मूला रख के उस पर भी वैल्यू निकालेंगे, मजा आ जाएगा भैया बता रहे हैं। अगर आप लोग जानते हैं तो ये देखिए एक साथ ट्रिक से मैं निकाल लेता हूं। आई बराबर अभी ने आपने पढ़ के आया, आई बराबर ई बटे आर, आई बराबर ई बटे आर, ई की वैल्यू क्या थी 2×10^5 और आर की वैल्यू अभी क्या आई हुई है 10, करिए तो जाएगा ये ऊपर जाएगा तो 10^4 हो जाएगा, तो 2×10^4 आपका 4 एम्पियर क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा आंसर आई की वैल्यू। अब आता है क्यू की वैल्यू, तो उसको भी निकालते हैं, क्यू क्यू बराबर आई इंटू डेल्टा टी करके उसको देखिए, प्रेरित आवेश का फार्मूले से भी आप रख सकते हैं, लेकिन आपको बताया था क्यू बराबर आई इंटू डेल्टा टी, तो आई की वैल्यू 2 थी 2×10^4 और डेल्टा टी की वैल्यू 0.2 सेकेंड, तो जाएगा 0.4×10^4, ठीक। अब चाहे तो 0.5 को हटा सकते हैं ऊपर नीचे 10 का गुणा करके, तो जाएगा 4×10^5 बटे 10 हो जाएगा, तो जाएगा क्यू बराबर 4×10^4, ये आप कर सकते हैं 4×10^4 इसका आप निकाल सकते हैं, ठीक समझ में आ रहा होगा। नहीं यहाँ देखिए एक की गड़बड़ी हो गई, ये 40 हो गया, ये 10^4 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 10^3, ठीक। देखिए ध्यान न देने में थोड़ी सी गलती हो गई, ये आपका 40 हो जाएगा ना, तो एक अंक पे 0.5 लगेगा, 4×10^4 ये नीचे जाएगा ऊपर, तो 10^3 हो जाएगा, इतना गुलाम ये आपका आवेश हो गया, ठीक। क्यू की वैल्यू आ गई, आई की वैल्यू आ गई, यही तो पूछ रहा था वहां पे। और चाहे तो आप जो मैंने फार्मूला बताया था उस पे भी वैल्यू आप रख के निकाल सकते हैं। तो एक सवाल आपके लिए है, एक सवाल आपके लिए है, किसको आप लगाएंगे, इसको मैं नहीं लगाऊंगा, इसको भी लगा के आप कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे हमको। देखिए क्या कर रहा है, 500 फेरों वाली एक कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स 0.05 सेकेंड में 20 वेबर से शून्य कर दिया जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए, यदि कुंडली के तार का प्रतिरोध 5 ओम हो तो प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश ज्ञात कीजिए। ये सवाल आपके लिए है, ये आप लगाएंगे, ये हम नहीं लगाएंगे, कहेंगे तो इसका हम आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, क्या क्या नोटेशन दिया वो लिख दे रहा हूं मैं। 500 फेरा है माने यंग की वैल्यू दी हुई है, चुंबकीय फ्लक्स 0.05 सेकेंड में, मतलब डेल्टा टी की वैल्यू दी है 0.05 सेकेंड में, क्या हो रहा है 20 वेबर से शून्य हो जाता है, मतलब डेल्टा फाई की वैल्यू क्या है शून्य हो जा रहा है 20 वेबर से, तो 20-0 माने -20 हो जाएगा इसका आपका डेल्टा फाई की वैल्यू, ठीक। ई निकालना है, आई निकालना है, क्यू निकालना है, जबकि आर की वैल्यू क्या दी हुई है आपकी, कितना ओम है भैया आर की वैल्यू 5 ओम। इनकी सहायता से आप वैल्यू निकालिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या आंसर आपका आ रहा है। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे, तो देखिए ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा अलग लेवल का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 70 फेरों वाली एक कुंडली का क्षेत्र 0.2 क्षेत्रफल, क्षेत्र नहीं क्षेत्रफल 0.2 मीटर स्क्वायर, इसे 0.6 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है, कुंडली के परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है, यदि कुंडली के 0.01 सेकेंड में अचानक क्षेत्र से हटा लिया जाता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित आवेश और प्रेरित धारा की गणना करिए। चलिए सोल्यूशन करते हैं इसका, पहले क्या क्या दिया है नोटेशन लिखते हैं बारी बारी से हम लोग। दिया है 70 फेरों वाली, एन की वैल्यू 70, एक कुंडली का क्षेत्रफल, ए की वैल्यू दी है 0.2 वर्ग मीटर मीटर स्क्वायर, इसे 0.6 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र, बी की वैल्यू दी है 0.6 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। अब देखिए आपको बताया था जब लंबवत का केस रहेगा तो थीटा 90° न रख के 0 रखा जाता है, ये आपको पहले ही मैंने बताया था, 90° रखा जाता था, यह बराबर आईबीएल साइन थीटा क्यू वीवी साइन थीटा में, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र से बना कोण है ना, तो 90 बोला जाएगा, तो 90 माइनस 90 माने थीटा की वैल्यू 0, ठीक। कुंडली के परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है, आर की वैल्यू क्या है 10 ओम है, यदि कुंडली के 0.01 सेकेंड में अचानक क्षेत्र से हटा लिया जाता है, कुंडली को 0.01 सेकेंड, डेल्टा टी की वैल्यू दी है 0.01 सेकेंड या 1×10^-2 सेकेंड कर दो, ठीक 10^ के रूप में लिखना चाहो, हटा लिया जाता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल ई, आवेश और धारा, ये तीन की वैल्यू निकालनी है। अब देखो यहाँ पे डेल्टा फाई की वैल्यू तो आपको दी नहीं हुई है, सारा खिलवाड़ यहाँ पे डेल्टा फाई की है, लेकिन आप जानते हैं फाई बराबर बी ए कॉस थीटा,
ठीक। तो यहाँ पर फाइव वन मान लेंगे, एक को फाइव वन मानेंगे, और यहाँ पे देखिए जब कुछ नहीं दिया रहे तो फाइव टू को जीरो लेते हैं, जीरो आपका अंतिम वाले को जीरो लेंगे, प्रारंभिक वाले को यहाँ पे निकालेंगे। तो फाइव वन एन बी एन भी दिया तो एन इंटू बी इंटू ए कॉस थीटा वाला फार्मूला लगाएंगे, और इसकी वैल्यू एन की गुणा नहीं करना है, बी ए कॉस थीटा करके निकालेंगे हम सीधे। तो बी ए कॉस थीटा करेंगे क्या हो जाएगा, बी कितना दिया है दशमलव छह, ए कितना दिया है दशमलव दो, कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू जीरो है, कॉस जीरो कर देंगे यहाँ पे, तो फाइव वन की वैल्यू क्या हो जाएगा दशमलव एक दो गुणे कॉस जीरो की वैल्यू एक, तो जाएगा दशमलव एक दो, ये फाइव वन की वैल्यू जाएगी इतना बेबर फाइव वन हो गया। फाइव टू आपकी जीरो है ही, तो यहां से डेल्टा फाइव की वैल्यू आप नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइव टू माइनस फाइव वन करके, तो फाइव टू माइनस फाइव वन करें जीरो माइनस दशमलव एक दो हो जाएगा माइनस दशमलव एक दो बेबर, ठीक इतना आ गया। अब निकालना क्या था ई, तो ई बराबर क्या हो जाएगा माइनस एन डेल्टा फाइव बटे डेल्टा टी, इससे निकाल सकते हैं आप, फार्मूला में बताऊंगा कैलकुलेशन आपको करना है। सेकंड आई पूछ रहा है तो आई बराबर ई बटे आर वाला फार्मूला लगा देना, और तीसरा पूछ रहा है प्रेरित आवेश तो क्यू बराबर आई इंटू डेल्टा टी वाला फार्मूला लगाना, और इन तीनों के फार्मूले के यूज से आप वैल्यू निकालिए और आंसर हमको बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये सवाल आप लगाइएगा, मैं आपको फार्मूला लगाने का मेथड बता दिया, केवल आपको कैलकुलेशन करना है, तो एकदम अच्छे से ये सब सवाल लगाइए, बहुत हाई हाई लेवल के सवाल नहीं है, अच्छे लेवल के सवाल है, तो वीडियो ज्यादा लंबा ना हो पाए इसलिए आज हम आपको इतना ही बताते हैं। आज के वीडियो में न्यूमेरिकल ज्यादा था तो इसलिए आज कम ही पढ़ा पाया हमें, तो ठीक है। ये सब जो आपको न्यूमेरिकल दिया है इसको पहले आप ट्रायल करिए अपने से, जो उसके बाद हम आपको और आगे लेवल के क्वेश्चन को बताएंगे। तो जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कर ले, जिनको वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है, धन्यवाद।